अब मुकाबला है पुरुषों के 97 किलो वर्ग का। हरियाणा हैमर्स की ओर से आ रहे हैं अर्जेंटीना मूल के यूरी मायर। थम्स अप में अब आ रहे हैं सीडीआर पंजाब रॉयल्स की ओर से भारतीय मूल के मौसम खत्री। चाहते हैं जुजुल्ला जो रेफरी है इस मुकाबले के लिए, और ये मुकाबला बहुत निर्णायक रहेगा। यूरी मेयर को किसी भी तरह ये मुकाबला जीतना है अगर वापस आना है हरियाणा हैमर्स की टीम को। और यहां पर अगर बात करें यूरी मेयर की तो उनके कंधे पर टेपिंग हुई हुई है, लगता है कि वो इंजर्ड है। और मौसम खत्री वो तो एक तरफा खिलाड़ी है 97 kg में। पाउलो से इनका मुकाबला बहुत अच्छा हुआ था, बेंगलोर का जो मैच हुआ था पंजाब और बेंगलोर का, उसमें इनके जो प्रतिद्वंदी थे उनसे 5-5 पर बराबरी पर थे और लास्ट पॉइंट की वजह से पाउलो जीत गए थे। मौसम खत्री भी बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं, भारत के अनेकों उपलब्धियां इनके पास, एशियन गेम्स में इनका ब्रॉन्ज मेडल है। जो सब इंस्पेक्टर है हरियाणा पुलिस में मौसम खत्री, पर ये एक अहम मुकाबला उनके लिए भी क्योंकि एशियन गेम्स में ब्रॉन्ज मेडल के नाम रहा था, कुछ अनुभव उनके पीछे है। जिस सारी कप था उसमें अब गोल्ड मेडल मिला था इटली में इसी साल 2015 में। और इस बीच दर्शक हमें लगातार ट्वीट भी कर रहे हैं, आज का ये मुकाबला खासा इंटरेस्टिंग रहा है अभी तक। हालांकि पंजाब की टीम आगे चल रही है, लेकिन आप भी हमें ट्वीट कर सकते हैं हमारा हैशटैग खेल फौलादी यूज करके। और फिलहाल इस मुकाबले में 1 मिनट से ऊपर का समय हो गया है, कोई भी पॉइंट नहीं स्कोर कर पाया। यार यही कारण प्रीति जो पैसिविटी रूल है वो प्ले में आ सकता है और शायद उसकी थोड़ी सावधानी बरतनी होगी दोनों ही पहलवानों को। यहाँ पे लगभग उठाने में कामयाब रहे थे पर वापस गिरफ्त बनाई यहाँ पे मौसम खत्री ने। कोशिश अच्छी थी यूरी मायर की, अच्छा डिफेंस किया मौसम खत्री ने। और यहाँ पे भारंदाज 2 अंक और 4 अंक और दोबारा से भारंदाज की कोशिश यहाँ पर, मौसम खत्री पूरी तरीके से दबाव बना लिया, मौसम खत्री ने छा गए। जी हाँ, वो 4 अंकों की पुष्टि होते हुए स्कोर बोर्ड पे और 1.5 मिनट में पंजाब के रेसलर मौसम खत्री ने अच्छा खासा दबाव डाल दिया है यूरी मायर पर। या देखिए अगर ये मुकाबला मौसम खत्री जीत जाते हैं तो आज की जो टाई है वो सीडीआर पंजाब रॉयल्स के पक्ष में रहेगी। यही कारण है कुछ करना होगा यूरी मेयर को, एक बड़ा मुकाबला है उनकी टीम के लिए और उनके लिए निजी तौर पे। और ये दोबारा अटैक किया यहाँ पर और यहाँ पर पकड़ बनाने की कोशिश, अच्छी कोशिश करी थी यहाँ पर यूरी ने, हालांकि कंट्रोल नहीं कर पाए मौसम खत्री और 4-0 के बढ़त हासिल किए हुए मौसम खत्री। बास्केटबॉल खेलते हैं मौसम खत्री। या और कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है जगदीश जी उनकी टेक्निक है मौसम खत्री की ज्यादा बेहतर है अगर आप तुलना करें यूरी मेयर के साथ। जो डिफेंस है जिसका आक्रमण कर रहे हैं, जिसका सिंगल लेग टैकल करने का प्रयास कर रहे हैं, टेक्निक में बहुत बड़ा अंतर नजर आ रहा है। बिल्कुल, यहां पर इस समय टांग काट कर बैठ गए हैं यूरी मेयर और रेफरी का इशारा स्टैंडिंग पोजिशन के लिए। और ये पंजाब के कोचेज अनिल मान और काफी खुश होंगे अभी जो स्थिति उनकी टीम की और जिस प्रकार भी मौसम खत्री यहाँ पे संघर्ष करते हुए। ये देखिए ये टेक्निक करते हैं मौसम खत्री, इसी चीज के माहिर हैं। पैर काटा यहाँ पर, पैर काट कर यहाँ पर अंक बटोरे हैं। और जगदीश 6 अंकों की बढ़त हो गई है, अगर चाहे तो पहले ही राउंड में ये मुकाबला खत्म भी कर सकते हैं। बिल्कुल, पूरा दबाव बना लिया देखिए भारंदाज। और ये देखिए फंस गए अपने ही दाव में, फंस गए यहाँ पर यूरी मेयर ऊपर मौसम खत्री नीचे। या ये चूक कर दी और कहीं ना कहीं यहाँ पे पहले अंक मिलते हुए यूरी मेयर को, ज्यादा समय नहीं अब इस पहले राउंड के लिए।
अजय, ये टेक्निक की खामी ही थी कि उस बेहतरीन पोजीशन में आने के बावजूद यूरी मायर फायदा नहीं उठा पाए ज्यादा, सिर्फ एक ही अंक ले पाए और 3 मिनट का मार्क बहुत ही जल्द। दोनों ही रेसलर्स जानते हैं फिलहाल कि ये राउंड पंजाब के रेसलर मौसम खत्री के नाम हो चुका है। प्रीति, जब आप पहले अंक लेते हैं, राहत की सांस लेते हैं, कहीं ना कहीं वो अंक आपके पक्ष में गए हैं, पर पहला राउंड पूरी तरह से पक्ष में रहा है मौसम खत्री के, 6-1 से आगे पहले राउंड की समाप्ति। स्वागत है आपका एक बार फिर से। मुकाबला चल रहा है मेंस 97 किलोग्राम कैटेगरी में। सीडीआर पंजाब रॉयल्स के मौसम खत्री ने पहला राउंड अपने नाम किया। यूरी मायर हरियाणा हैमर्स के रेसलर कुछ भी कंपटीशन नहीं दे पा रहे हैं। और यूरी मायर की अगर आप बात करें प्रीति, ये जो सफर रहा है इस पीडब्ल्यूएल में इतना खास नहीं रहा। 2 मुकाबले हारे हैं, 1 में ब्लॉक रहे थे, तो कहीं ना कहीं विश्वास उनके पीछे नहीं है, विश्वास के लिए थोड़ा संघर्ष कर रहे हैं। लिवान लोपेज कुछ टिप्स जरूर दे रहे थे, लेकिन फिलहाल कुछ भी हरियाणा हैमर्स के पक्ष में नहीं जा रहा है। यूरी मायर कहें कि कुछ गुम से गए हैं कि किस तरह से मुकाबला किया जाए मौसम खतरी का। देखिए, यहाँ पर चोट भी लगी है यूरी मायर को, कंधे में टेपिंग करी हुई है उन्होंने। और दूसरी तरफ मौसम खत्री बहुत ही प्रतिभाशाली पहलवान है, अच्छी टेक्निक्स लगाते हैं, स्टैंडिंग पोजीशन में बहुत ही अच्छी रेसलिंग करते हैं। और यहाँ पर देखिए, ये पैसिविटी जोन से बाहर धकेल दिया, एक अंक मिला। और यहाँ पर धर्मेंद्र जी ताली बजाकर उत्साहवर्धन करते हुए मौसम खत्री का। याद रखिए, अगर 10 अंक की बढ़त मिल जाती है तो मुकाबला समाप्त हो जाता है, तो एक बहुत मजबूत स्थिति में अभी मौसम खत्री और फिर से यहाँ पे दबाव डालते हुए। जी हाँ, 10-1 की अब बढ़त हो गई है मौसम खत्री के पक्ष में और ये मुकाबला टेक्निकल पॉइंट तक पहुंचने वाला है। और यानी प्रीति, 1 अंक और चाहिए, अगर 1 अंक और मिलता है तो ये मुकाबला समाप्त हो जाएगा। तो मुट्ठी में है ये मुकाबला मौसम खत्री के, और गजब का ये बाउट लड़ी है उन्होंने। बिल्कुल पूरे तरीके से हावी हो गए हैं, कोई मौका नहीं दे रहे हैं, एक तरीके से खेल रहे हैं यूरी मेयर के साथ। और ये आसानी से 2 अंक हासिल किए, टेक्निकल सुपेरिटी के आधार पर विजयी हुए मौसम खत्री। और इताते जुजुल्ला कहते हुए कि ये मुकाबला, ये बाउट अब समाप्त होती हुई, तो पंजाब ने आज की जो टाई है वो जीत ली है। हालांकि योगेश्वर दत्त का अभी भी आना बाकी, गीतिका जाखर का आना बाकी, पर एक बहुत बड़ी जीत यहाँ पे मौसम खत्री के लिए। 12-1 से ये बाउट जीत ली है टेक्निकल सुपेरियरिटी के कारण, और एक जबरदस्त जीत उनके लिए। दबदबा नजर आता हुआ आज पंजाब रॉयल्स का। क्या आपको पता है कि कौन सा मौसम चल रहा है? मैं बताती हूँ आपको, पंजाब रॉयल्स की जीत का मौसम चल रहा है। मेरे साथ है गबरू जवान। मौसम यहाँ पे कैसा लग रहा है आपको? बहुत खुशी हो रही है, मैं जीता और माई टीम भी जीतेगी, उससे और ज्यादा खुशी मिलेगी हमको। आप बड़ी डिफरेंस से जीते हैं, 12 पॉइंट्स बना लिए थे आपने। अपने आप को मोटिवेट करने के लिए क्या कहते रहते हैं आप वहाँ पे अंदर? मैं ऐसे कहता हूँ, अगले को ज्यादा से ज्यादा स्कोर करूँ और 10 नंबर लीड करके रहा। अच्छा, तो मुझे ये बताइए जाने से पहले कि पंजाब रॉयल्स को आप इस लीग में फाइनल्स में देखते हैं? हाँ, पंजाब रॉयल को टीम को हमारे कोच अनिल मान है, कुलदीप गोसा है, और सभी हम फाइनल में जाएंगे अच्छी तरह। जी, और आपके लकी मैस्कॉट जो है धर्मेंद्र जी, हमेशा आपको हौसला अफजाई करने के लिए, आपका हौसला बढ़ाने के लिए हमेशा यहाँ पे होते हैं। हाँ, धर्मेंद्र जी हमारे साथ में रहते हैं और एकदम हौसला बढ़ाते रहते हैं, भगत सागर के दिखाओ पूरा हौसला अफजाई करते हैं। चलिए, कंग्रेचुलेशन मौसम। बस जाने से पहले एक बहुत ही जरूरी सवाल, आपके जैसे डोले बनाने के लिए मुझे कितना वक्त लगेगा? मैडम, डोले तो हमें 15-20 साल हो गए मेहनत करते।